हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स को याद करने में बड़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं या फिर आपको भी याद ही नहीं होते हैं, बार बार भूल जाते हैं, पहली बात तो ये है कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किसने दिए, हेनरी फायोल ने। दूसरी बात, आपको अगर याद नहीं होते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ज़िंदगी में कभी भी हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स नहीं भूलोगे, बाकी अपने नाम तक भूल सकते हो, ठीक है। तो क्या है वो ट्रिक, देखो आपको बस इतना याद रखना है कि आपने आपके दोस्त ने क्या बनाया था, कुछ कोट्स बनाए थे, अब वो भूल गए, ठीक है। आपका दोस्त क्या हो गया, कोर्स भूल गया, तो अब आप पूछोगे, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि रिकोड क्या है उसका, दोबारा से जो कोड बनाया वो क्या चीज़ है, तो जो कोड बनाया ना उसी में आपके 14 प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। तो आप बोलते हो कि मैंने जो दूसरा कोड बनाया वो है रिकोड्स, दूसरा कोड है, दूसरा कोड क्या है, रिकोड्स, दूसरे कोड्स क्या हैं, देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, रिकोड्स। अब रिकोड क्या दिया आपने, आपने लिखा है रिकोड का नाम उदासी, क्या नाम लिखा है, उदासी, UUDASSI, उदासी। आपने अपने दोस्त को बनाया हमारे रिकोड्स हैं उदासी, क्या है आपका रिकोड, उदासी। देखो इसमें 14 प्रिंसिपल्स आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाएंगे, कैसे करके देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज आर, E for equity, C for centralization, decentralization, O for order, D for division of work, E for spreading costs, S for stability of tenure, ये हो गया आपका records। अब उदासी के unity of command, unity of direction, discipline, A for authority and responsibility, S for scalar chain, S for subordinate individual interest to general interest, and I for initiative। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और अब आपको ये 14 प्रिंसिपल्स याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है, ये नाम याद रखना है, रिकोड से हमारे क्या चीज़, उदासी, आपको याद हो ही जाएगा आई होप। तो अब अगर आप इसी तरीके की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।